जय जवान जय किसान दोस्तों, लाइक कर रहा है आपको वीडियो पसंद आया तो। दोस्तों होता है क्या, जैसे आपन घर बनाए जाए तो एक रसोई बना देते, एक हॉल बना देते, एक सोने के लिए वैसा ऐसा 3 रूम का फ्लैट लेने जाए तो 3 रूम का फ्लैट लेते हैं। लेकिन वैसा ही भेड़ बकरी के लिए ही ऐसी सुविधा करना है दोस्तों, जैसे ऐसी जगह ज़्यादा हो उनको बैठने के लिए। ये देखो कैसे भी उनके मनपसंद से बैठी है, जिनको अच्छा लगा जिधर जिधर। अभी 2-3 दिन से बारिश चालू है, अभी थोड़ा अभी ये मौसम जैसे कैसा है, इस टाइम का बारिश कैसा है, बारिश आ रही है जा रही है, और जैसे आ रही तो थोड़ा ज़ोर से आती है, इसीलिए कीचड़ नहीं होता है ज़्यादातर। और आषाढ़ श्रावण का जो बारिश रहता है, ये बारिश ज़्यादातर धीरे 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 धीमे 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 आती रहती है। थोड़ा बारिश आएगी, थोड़ा फिर खुलेगा, फिर बारिश आएगी, फिर इसके वजह से इधर कीचड़ होता है। और इधर ज़्यादातर रात के टाइम बैठती है तो भेड़ बकरी को कैसा रहता है, 2 घंटे 3 घंटे में पेशाब करती रहती है, और वो पेशाब करने की वजह से इधर अमोनिया वायु जो है वो तैयार होता रहता है। वो अमोनिया जैसे उनके हर दिन जैसे सूंघने में आए तो वो जैसा थोड़ा जहर का काम करता है, वो जहर की वजह से जैसे उनको बीमारी बढ़ने लगती है। अभी ये देखिए, इस जगह पर ज़्यादातर बैठती है, और इस जगह पर बैठने से होता है क्या, हर दिन जैसे उनके सूंघने में आएगा अमोनियम, हर दिन सूंघने में आने तो भेड़ बकरी बीमार गिरने की ज़्यादा। अभी पहले ये बात समझे कि भेड़ बकरी बकरी जो बहुत पालने वाले लोग रहते हैं, 2-3, 2-3, 4-5, 10-100, 200-500, 1000-3000 ऐसे बकरी भेड़ बकरी पालने वाले भी हैं, भेड़ भी पालने वाले हैं। तो ये जैसे समांतर प्राणी, ये पहले समझे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और इसलिए अमोनिया जो हर दिन सूंघने में आएगी तो वो कैसा होता है कि उनके वो तो अमोनिया तो जहर है, और जैसे दिन निकल आएगा तो दिन निकल आने के बाद दोस्तों उस सूर्य की रोशनी से अमोनिया थोड़ा बाजू हटने लगता है, अमोनिया का ऐसा होता है। इसलिए ऐसा बड़ा पेस हो ज़्यादा बंदिश्त वाले तो बाहर छोड़ते नहीं, उनकी जगह हार दे रहते, इसलिए हमने पेस ज़्यादा रखा है। ये देखिए, ये कंपाउंड से लेके यहाँ तक जैसे हमारा समझ लो 3000 स्क्वायर फुट से ही ज़्यादा जगह है, ये ऐसा ऐसा पेस रखना है। और उनको लगेगा जिसको धूप आया है जो अंदर जाएगा, या ये आम का पेड़ दिख रहा है इस छाव में जाते हैं, या ज़्यादा हवा लग रही, ज़्यादा ठंड के मौसम में ज़्यादा बारिश लग रही थी, ये जो पत्रा दिख रहा है आपको, ये जो शेर दिख रहा है, इसके अंदर जाते हैं, ऐसा जगह होना चाहिए। और ये अमोनिया अभी बहुत ज़्यादा बंदिश रहेगा तो ये अमोनिया अभी कम जगह में आप ज़्यादा बकरे रहेंगे, ज़्यादा भेड़ रखेंगे, ज़्यादा बकरी रखेंगे तो दोस्तों होता है क्या, जगह ज़्यादा हिलने के नहीं रहने की वजह से, और बड़े बड़े बाजू की दीवार रहने की वजह से हवा इधर उधर जाती नहीं है, और हवा उधर इधर उधर जाती नहीं, इसीलिए होता है क्या, अमोनिया उनके अमोनिया को इधर उधर हवा न जाने की वजह से अमोनिया उनकी ज़्यादातर सूंघने में आता है, फिर भेड़ बकरी बीमार गिरने लगती है। दवा देंगे फिर वापस वही काम होता रहेगा, दवा देंगे जो बीमार होते रहेंगे उनको वापस, फिर अमोनिया वही सूंघने आता है। और चरने वाले का थोड़ा अलग रहता है, वो बाहर थोड़ा तो जाती है, उनको हवा अलग मिलती है, थोड़ा टहल लेती है, और अलग चारा और हवा भी बदल लेती है, तो थोड़ा उनका थोड़ा अलग होता है। और बंदिश्त वाले के हर दिन एक जगह पर रहने की वजह से इसलिए खुला जगह ज़्यादा रहे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ऐसा सबसे ज़्यादा पेशाब करती है ये भेड़ बकरी, 2-3 घंटे में करती रहती है, इसीलिए इनकी जगह ज़्यादा हो। और ये अमोनिया जैसे आपके लिए झरना हो, इसीलिए इससे संभाले, ज़्यादा जगह रखे, और पूर्व आप शेड बनाना थे पूर्व पश्चिम बनाए, जैसे पूर्व से हवा आपसे चल रही तो हवा बस हवा घुस के जैसे बाहर गिर जाए, ऐसी हवा रहेगी, ऐसा रहेगा तो हवा आने जाने में और आपका हवा सर्कुलेशन रहने में बहुत मदद रहेगा। इसलिए दोस्तों ये अमोनिया जैसे आपके लिए जहर ना बने, ये जो वायु हो रहा है,
और बकरी कौन सी बकरी समझ लो, ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। जैसे अपन एक हॉल में जैसे बहुत लोग बैठे किसी कार्यक्रम के वजह से, किसी इवेंट के वजह से, तो दोस्तों होता है क्या, अपने को भी घुटन जैसे महसूस होती है, और वो घुटन जैसे महसूस होती है तो अपन कुछ कारण से बाहर जाते हैं, उधर नहीं ठहर पाते हैं, इसलिए उस उनको भी वैसा होता है ना। आपने से ही सोचे जैसे आप क्या होता है, इसलिए पेज जगा रहे और इसलिए उनको जैसे दिक्कत कम होएगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी दोस्तों। लोग बोलते हैं हमारी बीमार बार बार बीमार पड़ रही, हमारी भेड़ बार बार बीमार पड़ रही, फिर क्यों पड़ रहे, तो इसके पीछे ये भी रीजन है, ये समझे, अमोनिया के वजह से दूषित हवा तैयार होने की वजह से उनकी खुली हवा नहीं मिल रही, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग बड़े बड़े दीवार करते हैं बाजू में और हवा नहीं आ पाती, फिर दीवार के बाजू में अमोनिया तैयार होते रहता है, फिर बाजू में कोने में हवा ज़्यादा चलने की, ठंडा हवा ज़्यादा चलने की, जो धूप के वजह से वो जैसे धूप ज़्यादा दीवार के बाजू में जाके बैठती, फिर हवा सूखने में आती है, उनका अमोनिया सूखने में आता है, ये करते हैं। इसलिए ऐसे जाली रखे और जाली के नीचे से ज़्यादातर फाउंडेशन करें, ये जो अभी जाली नीचे से फाउंडेशन करें, जैसे कोई घुस ना जाए, सांप वाघ सिंह कुत्ता अलग अलग जो प्राणी, इसलिए पहले से आप जैसे आपका जैसे धीरे 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 जैसे पैसे की कैपेसिटी बढ़े वैसे फाउंडेशन करें, इसीलिए आप डर नहीं रहेगा। और लोग ज़्यादातर दीवार कर दे रहते हैं, बड़े बड़े दीवार और जगह कम रहती, फिर वो दीवार के चुप के जाए, छप के जाके बैठते, हवा नहीं इधर उधर आके जाते, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उधर की हवा आए तो बस हवा ऐसे निकल के जाना चाहिए, इसलिए ऐसा बने। ये बहुत इम्पोर्टेंट, लाइक करे, ठोक दो एक लाइक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और जो आपको चाहिए कमेंट में तो बोलिए दोस्त, मिलेंगे ऐसी वीडियो में। राम कृष्ण हरे।